वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, नर्सिंग वालों के लिए आज दिन तक की सबसे बड़ी हैप्पी न्यूज खुशखबरी आ चुके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 22,000 भर्तियों के प्रस्ताव की कावयाद, और अभी यहाँ पर जूम आउट करके हम आपको दिखा देते। इसके अलावा नोटिफिकेशन भी आ चुका है और बहुत सारी जगह अप्लाई का लिंक भी आ चुका है, अभी हम आपको दिखाएंगे गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नर्सिंग अधिकारी, लैब असिस्टेंट, चिकित्सा अधिकारी, इन सभी के लिए 4,260 वैकेंसी रहने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रदेश में 900 से ज़्यादा पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। अगर इनको टोटल किया जाए, जैसे सभी सेक्टर से निकली हुई है, तो 22,000 भर्तियों के प्रस्ताव की कावयाद यहाँ शुरू हो चुकी है और ये बहुत ही जल्द संपन्न होने वाली है। और जो अभी प्रेजेंट टाइम पे नोटिफिकेशन आ चुका है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, उनका नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइस, चलिए सबसे पहले एएनएम वालों की बात कर लेते हैं, उसके बाद जेएनएम, उसके बाद बीएससी नर्सिंग, उसके बाद एमएससी नर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एएनएम वालों के लिए 8,853 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हो चुकी है गाइज। ये आप देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। बहुत ही अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है और इतने सारों पदों पर तो गाइज लगभग ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। अनरिजर्व वालों के लिए 2,177 और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, फीमेल के लिए अलग से, मेल के लिए अलग से, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी गाइज आपके लिए, ठीक। और यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप ओबीसी में रहते हो, चाहे आप एससी एसटी में हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास, जो आपका सर्टिफिकेट कोर्सेज है, डिप्लोमा कोर्सेज है एनएम का, वो आपके पास हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से निकली हुई है और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है, ये देखिए 21 जुलाई 2021 से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। ये यहाँ पर आ चुका है। अब बात कर लेते जेएनएम और बीएस नर्सिंग वालों की, ठीक है। बट उससे पहले एम्स से जो वैकेंसी निकली थी, क्या आपने वहाँ पर अप्लाई किया या फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है गाइज आपके लिए एम्स में, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद जेएनएम और बीएस नर्सिंग की जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो गाइज, इनके अलावा एम्स की जानी मानी वैकेंसी, जहाँ पर नर्सिंग वालों की सैलरी 2,00,000 तक रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, देख लो नोटिफिकेशन में 2,00,000 के अभाव ही रहने वाली है। तो लाइक तो बनता है इस बात पर गाइज, इतनी अच्छी गुड न्यूज हम आपके लिए लेके आए, तो आपका फर्ज बनता है लाइक करना, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट होके और भी वैकेंसीज हम आपके लिए लेके आए। सीनियर ऑफिसर की भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, देखो अलग अलग पदों पे निकली हुई है। फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए भी निकली हुई है, ये नर्सिंग वालों के लिए है सही, जहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ से अप्लाई करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। असिस्टेंट की भी निकली हुई है और इसके अलावा काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है, देख लेते हैं। स्टोर ऑफिसर की भी निकली हुई है, ओके गाइज, एम्स की है, एम्स ऋषिकेश की, ठीक है। तो यहाँ पर 21 अभी टाइम है आपके पास, देख लेते कितना टाइम है। अभी टाइम है 21 अगस्त, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो उससे पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ड्रीम होता है एम्स में जॉब करना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिडर आप कर सकते हो, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम आपको दिखा देंगे। पे स्केल इसका बहुत ही अच्छा है, यानी कि सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके गाइज, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए, होम, विज्ञापन, इंपॉर्टेंट डेट, करप्शन का सारा यहाँ पर है, और रजिस्ट्रेशन करने का भी यहाँ पर ऑप्शन है, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना होगा, ठीक है ना। और ये लिंक हम आपको सेंड कर देंगे, वैसे आप एम्स लिख देना, एम्स ऋषिकेश गूगल पे जाके आपको मिल जाएगा इसकी वेबसाइट, तो वहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा गाइज। बहुत ही सिंपल है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी न्यूज़ अभी तो बकाया है गाइज, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, अभी आपने देखा कि एएनएम वालों के लिए 8,800 पदों पर निकली हुई थी, और यहाँ तक कि नर्सिंग वालों के लिए एम से भी निकल चुके हैं, जहाँ पर 2,00,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, 2,00,000 से भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट हम कर लेते हैं,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि 22,000 पदों पर होने वाली है। देहरादून की ये इन्फॉर्मेशन है गैज, अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है जहाँ पर इन पदों पर वैकेंसीज होने वाली है। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कनिष्ठ अभियंता, नलको, मिस्त्री, चालक यहाँ पर 2,500 पदों पर होने वाली है। पटवारी, लेखपाल यहाँ पर 754 पदों पर होने वाली। ग्राम पंचायत यहाँ पर सब कर सकते अप्लाई, नर्सिंग वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है वो इन पदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो, ठीक है ना। और यहाँ पर तो कर ही सकते हैं आप नर्सिंग अधिकारी बनने के लिए, तो यहाँ पर भी 4,260 पदों पर निकली हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि विभिन्न सरकारी विभागों में 22,000 पदों पर भर्तियाँ करने के लिए सरकार का दबाव अधिकारियों का सिरदर्द बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, वैकेंसी तो देखो निकालनी पड़ेगी इनको, अभी बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है वैकेंसी के लिए, इनको जरूर जल्द से जल्द भरना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट है, सो गए जितने भी डिपार्टमेंट है उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, कृषि के लिए इतना, उद्यान के लिए इतना, ठीक है, पेयजल के लिए इतना, सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वन सेक्टर में इतना, ऊर्जा सेक्टर में इतना, पुलिस में इतना, ठीक है, सारा यहाँ पर दिया हुआ है। बट हमारा फोकस रहेगा नर्सिंग वालों पे, अगर आप चाहें तो इनका भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बट हमारा ज़्यादा काम चिकित्सा क्षेत्र से रहता है, ठीक है। किसके कितने पद ये हम दे ही चुके हैं, और अगर आपको हजम हो जाए तो और गुड न्यूज हम आपको दे देते हैं एक्स्ट्रा हमारी तरफ से, तो चलिए दे देते हैं, चलो। सो गाइज ये लीजिए कुछ खबरी, एनएम के 9,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, ठीक है ना। 9,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये वैकेंसी और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी थी, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। लखनऊ से रहने वाले ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी जवाब रहेगा, अभी हम आपको दिखाते हैं आपका क्या जवाब रहेगा इनको दे के, क्योंकि बिलीव नहीं होता बहुत सारों को, बट बिलीव करना होगा, क्योंकि नर्सिंग सेक्टर में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। बम्पर यहाँ पर आप बोला सकते हो डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है ना गाइस, ठीक है, जिस चीज़ की जितनी डिमांड बढ़ जाती है उसके लिए कितना भी पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेटियों को 9,213 पदों पर सरकारी नौकरी जल्द। सो गाइज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है नर्सिंग वालों के लिए, ये देखो 9,500 नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति जल्द, तो ये बहुत ही जल्द डन होने वाला है, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड में यूके में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनको देखते हुए वो जो अभी रिक्त पद है ना उनको फटाफट भरा जाएगा, फटाफट तुरंत, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, एक्टिव रहने का मतलब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आपको प्रेस करना है, क्योंकि कभी भी लिंक एक्टिव हो सकता है उन वैकेंसीज के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये न्यूज़ में आता है क्या, इनके लिए वैकेंसीज आती है? जी बिल्कुल, अभी हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। सो गाइज आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है, हमने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया था कि राजस्थान में 7,000 पदों पर CHO की वैकेंसी होने वाली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, और 9,000 NM और GNM के पदों पर नियुक्त जल्दी होगी। और इस पर जैसे मार्च आपने देखा होगा, मार्च में 7,000 जो पदों पर वैकेंसी जी हुई थी उसके लिए लिंक एक्टिव हो गया था, और बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में CHO बन चुके हैं, ठीक है ना। और ये जो अखबार में आया था ना, ये 5-7 दिन बाद ही इसकी नियुक्ति भी हो गई थी, तो गाइस बिलीव करना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर होने वाला है, कहाँ पर अभी हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइस इसी प्रकार यहाँ पर होने वाला है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो न्यूज़ में आता है गाइस, ठीक है, सबसे पहले न्यूज़ में इंफॉर्मेशन आती है, और ये न्यूज़ फेक नहीं है, ये अमर उजाला जानते होंगे सब, जाना माना न्यूज है, तो वहाँ से ये डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पर अमर उजाला पे, देख लेना आप गूगल पे भी सर्च कर लेना आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये देखिए आपका पॉक्स तो यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड 4,260 पदों पर रहने वाली है, और भी पद आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अदर फील्ड में भी ट्राई करते हैं, जैसे कि पटवारी में भी ट्राई करते हैं, ग्राम पंचायत में भी ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो किसी भी में भी ट्राई करते हैं, तो अच्छी बात है, सभी में आप ट्राई कर सकते हो, किसी ना किसी में तो आपका हो जाएगा। सहायक अध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर निकलने वाले 5,307 पद, देख लो, ये देखिए किस विभाग में कितनी होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब हम GNM और NM और BS नर्सिंग वालों की बात कर लेते हैं यहाँ पर फुल डिटेल में, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चालू है। सो गाइज अगर आपने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया तो कर लेना, 8,853 पद है NM वालों के लिए। अब GNM और BS नर्सिंग वालों के लिए भी देख लेते हैं। सो गाइज हमने NM वालों के लिए देख लिया,
अब JNM और BSNL वालों के लिए देख लो आप, ताकि सभी को हैप्पी न्यूज़ मिल जाए। 2100 पदों पर होने वाली ये वैकेंसीज, ठीक है, क्लियर हो गया। कितने पद, यानी कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना पद, अनरिजर्व वालों के लिए कितना, MBC के लिए कितना, सब कुछ यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिया हुआ है। और एक चार्ट पैटर्न हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड करते हैं, जैसा कि सबको पता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है सही, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइस, ये है ऑफिशियल वेबसाइट राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका JNM और BSc नर्सिंग का, और एक नीचे इस यहाँ रहा ANM का। तो आपको जहाँ पर ANM के लिए करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ANM के लिए इंफॉर्मेशन कि आपको कैसे अप्लाई करना है, वेरिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर दिखाई रखा है। और ये जो लिंक है ना, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन और सिलेबस ये सब आप यहाँ से जान सकते हो, क्लियर। ये देखिए, और फॉर्म आपको भरने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, ठीक। ये तो हो गया ANM वालों के लिए। अगर आपको BS नर्सिंग वालों के लिए करना है या फिर JNM वालों के लिए करना है, तो नंबर वन पे आ जाना है और इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, चाहे तो आप यहाँ से विज्ञापन देख सकते हो, या फिर आपको अप्लाई करना है तो ये ANM वालों का यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा गाइज, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो गाइज, बहुत ही बड़ी अपडेट है कि आपके लिए 22,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, और प्रेजेंट टाइम पे अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो।